आमदी नगर हुडको स्थित काली बाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से चल रहे विवाद का मामला हाईकोर्ट के निर्देश के साथ ही समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट के नए आदेश के तहत काली बाड़ी के सामने स्थित विवाद स्थल पर गार्डन बनाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत रविवार को गार्डन बनाने के लिए फेंसिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही पाथवे एवं घास लगाने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो लगभग 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। रविवार को प्रारंभ हुए कार्य के दौरान किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि खाली जमीन पर गार्डन और फेंसिंग कार्य के दौरान जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक थोड़ा आपस में ही विवाद चल रहा था काफ़ी दिन से, रहवासियों में और कमिटी में। तो जो काम हो रहा है, हाईकोर्ट का जो निर्देश है वो बहुत फायदेमंद है देखा जाए तो समाज के लिए। यहाँ अगर वृक्षारोपण होगा तो मोदी जी जो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत भी उनका उनका कहना भी हम साक्ष्य करने जा रहे हैं और इससे काफ़ी फायदा है समाज को, मंदिर को और सब। तो न्यायालय की जो ये वो है, कैसा लगा न्यायालय का इंसाफ? न्यायालय का इंसाफ, अभी न्यायालय में कार्यक्रम कार्य ये जो प्रकरण है ये अभी थोड़ा सा अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है ना। और जो राय दिया है उन्होंने वृक्षारोपण का, घास और वो सब गार्डन बनाने का, ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है। देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, और मार्केट का जो एरिया है वो मार्केट के जो इधर की दुकानें हैं ये दुकान का पीछे है, दुकान का सामने जो है जो फ्रंट है वो दूसरी तरफ है, इस तरफ नहीं है, ये पीछे का तरफ है। फिर भी अगर किसी को आपत्ति होती है, व्यक्तिगत कोई दिक्कत होती है, तो सबको मिलजुल के सबको समझ के आपस में तय करके इसको निर्णय लेना, ये हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आज करीबन 20 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और 40 साल से हमारा ये मंदिर चल रहा है और आज जाके हमारा बहुत बड़ा एक सपना पूरा हुआ है, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट ने शायद माँ की बात समझ ली और हम लोग को ये आदेश दिया कि इसको एक अच्छा सा गार्डन बनाया जाए, जो कि आज हम लोग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। किस किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जाएगी? इसमें पूरे चारों तरफ पेड़ लगाया जा रहा है और भी लगाएंगे, बीच में घास लॉन बनाया जा रहा है बच्चे लोगों को खेलने के लिए, बुज़ुर्गों को बैठने के लिए, बगल में पाथवे भी बनाया जा रहा है जिसमें बुज़ुर्ग लोग या जिसको भी सवेरे मॉर्निंग वॉक करना है वो कर सकते हैं। दूसरा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक जो सपना है कि एक माँ के नाम एक पेड़, वो भी हम लोग ने उस चीज़ को भी आज पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इसको कम्प्लीट कर दें, पूरी कोशिश है जितना से जितना हो सकता है। अभी तो मालूम नहीं है, अभी हमारा अगला एक तारीख को सुनवाई है, उसमें न्यायालय क्या बोलती है वो न्यायालय के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। ठीक।